सागर जिला के सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव रोमांचक हो चले हैं। इतने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गोविंद राजपूत के पक्ष में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहतगढ़ इलाके में सभा करी और सभा में उमड़ी भीड़ के बाद गोविंद राजपूत खासे उत्साहित नजर आए। मुख्यमंत्री जी की सभा थी दूसरी और लोगों में उत्साह देखते ही बन रहा था। 15,000 करीब भीड़ थी आज देखा और सुर्खी क्षेत्र की जनता को ये विश्वास जागा है कि शिवराज सिंह चौहान जी ने जो कहा कि सुर्खी में विकास का अभी ये टेलर है, फिल्म तो शुरू होगी चुनाव के बाद, तो निश्चित रूप से 500 करोड़ रुपया का जब टेलर हो सकता है विकास कार्यों का, तो फिल्म कैसी होगी इस क्षेत्र की जनता देखना चाहती है। आने वाले 3 साल में भाजपा की सरकार और रहना है और उसमें निश्चित रूप से बहुत सारे रुके हुए काम पूर्ण होंगे और सुर्खी में विकास की रफ्तार गति पकड़ेगी, तेजी पकड़ेगी। तो मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री गोपाल भार्गव से पूछे गए कि आखिर बेर बेर सीएम की सभाओं की जरूरत काय पड़ रही, तो बोले कि सीएम तो हमारे नेता हैं, सो वे जब जरूरत पड़े तब आए, सवाल तो उनसे पूछो जो बाकी पार्टियों के नेता नहीं आ पा रहे। अरे भाई, जिनको सभा करने में शर्म आ रही है, देखिए ऐसे लोग वो नहीं आए, लेकिन हमारे सीएम तो आएंगे, उसमें क्या दिक्कत है। सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हुआ, अभी कमलनाथ की सभा पे मामला दर्ज हो गया, यहाँ भी सोशल डिस्टेंस नहीं था। सोशल डिस्टेंस का सही बात बताऊं, ऐसी भीड़ में, ऐसी सभा में, ऐसे वातावरण में मैं मान के चलता हूँ कि इसका 100% पालन करना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जितना संभव हो सकता है हम लोग पालन करते हैं। भाई साहब, 28 सीटों में से कितनी सीटें ला रही है? सारी। मध्य प्रदेश स्थिर सरकार चाहता है ताकि शेष 3 वर्षों तक हम अच्छा काम कर सकें। 3 नवंबर को मध्य प्रदेश को उपचुनाव है। सुर्खी की सीट पे सबकी नजरें हैं, काय के इतने बेहद रोमांचक मुकाबला होवे की उम्मीद है। सागर से कृष्णकांत नगाज, बुंदेली बौछार के लाने। बुंदेली बौछार की शानदार खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाएं, तभी पूरी खबरें आपके पास आ पाएं।